7 नवंबर 2022 को यहाँ ज्वाइन किया था। अक्टूबर और नवंबर में सारा स्टाफ हमारा, हमारे समझाने की मुकाबले बात में है। प्राइवेट स्कूल कहीं नहीं टिकते। देखो अपनी अपनी वो तो लेकिन प्रवृत्ति सिंपल पढ़ा बात है सकते आप। हो, पढ़ाने की कोई मना ही नहीं है। इस स्कूल का विद्यालय का सौभाग्य है कि हमारे पास लीडर बट या हमारे प्राचार्य महोदय देख लो, दिन रात सीसीटीवी कोशिश करते कैमरे भी हैं। स्कूल में लगा दिए गए हैं, 16 सीसीटीवी कैमरे, जो मतलब हर सप्पे हर सप्पे पे फंड नजर का रखते जमाना हुए। रही मापा अच्छा जा लिया, जाऊंगा स्कूल थोड़ा काल पा लिया। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कन्फ्यूज, फिलहाल आपा शिवानी मंडी के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे। यहाँ मैं कैमरा मैन से कहूंगा एक बार पूरा गेट का दृश्य दिखा दे भाई। गवर्नमेंट मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि जो शिवानी मंडी का बड़ा हाई स्कूल जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो था, उसका नाम बदल करके गवर्नमेंट मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया है। भाई इस स्कूल की विशेषता आपने दिखावांगे भाई, क्या क्या नया कर दिया, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई के जो मायने वो बदलने का काम किया गया है। इस स्कूल में अपनी विशेषता बतावांगे, इस स्कूल के प्राचार्य श्री सुरेश सोराण जी व मास्टर राजवीर जी बेनीवाल, उनके कहीं ना कहीं प्रयास है वो सार्थक होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इन्होंने स्कूल की परिभाषा ही बदल दी, सरकारी स्कूल की परिभाषा ही बदल दी। क्योंकि सरकारी स्कूल में आप देखते आए हो, आज तक सुनने में आया कि सरकारी स्कूल में टीचर ढंग के नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया नहीं होती, ऐसी ऐसी बात सुनने को आई है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के मायने जो बदलने का काम किया है, आप देख के हैरान हो जाओगे कि सरकारी स्कूल है या कोई प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि इतने बढ़िया जो मतलब स्कूल को बना दिया गया। आप लैब देख सको, मैं कैमरा मैन से कहूंगा एक और लैब का दृश्य दिखा दे भाई, आप देख सकते हो ये लैब बनाई गई है भाई कम से कम करोड़ रुपए खर्च करके भी। आपको लैब के अंदर लेके चलता हूँ, ये आप देख सको भाई, इस लैब के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है, हमारे जो महापुरुषों के चित्र हैं वे लगा दिए गए हैं, इतनी बढ़िया फैसिलिटी यानी कि बच्चों के बैठने के लिए मतलब बिल्कुल बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है। और आप ये कंप्यूटर लैब देख सकते हो, यानी कि कंप्यूटरों की भी स्क्रीनों की लाइन लगा रखी है। तो यहाँ पे PA9 से बातचीत कराएंगे भाई साहब, राम राम। राम राम। मतलब सरकारी स्कूल जो था उसे कहीं कहीं मायने बदलने का काम किया गया, इसके प्रयास ही। ये हमारे सुरेश कुमार जी प्रिंसिपल है जी, अभी आए हैं, और राजवीर सर जी है सीनियर टीचर है, और सभी स्टाफ सभी कर्मचारी जितने कर्मचारी हैं सभी है, सहयोग है जी, फुल सहयोग से अच्छा काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, पीछे भी चल रहा था। और टॉयलेट लड़कियों के अलग है जी, लड़कों के टॉयलेट अलग है, स्टाफ का अलग है सर। और हमारे यहाँ लैब भी बायो लैब है, बुनियाद लैब है, और केमिस्ट्री लैब है, फिजिक लैब है जी, सभी लैब है हमारे चलो यहाँ। भाई अपने दिखावांगे पूरे पूरे स्कूल की सैर करावांगे, आज हमारे साथ साथ आ जाओ आप। तो PA ने अपने साथ मौजूद है, अपने को थोड़ी विस्तार से जानकारी देंगे। हर तरफ जैसे ही आप गेट के अंदर प्रवेश करोगे, आप देखोगे कि चारों तरफ से मतलब बढ़िया बढ़िया लान बना दिए गए हैं, जहाँ हरे हरे पेड़ पौधे वृक्ष अपने को आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक बहुत ही विशेष बात भाई, अपने आप में शहीदी स्मारक जो है वो बनाने का काम किया है, ये आप देख सको भाई, जो शहीदी स्मारक है उसका निर्माण कार्य चल रहा है, कई सेठ लोगों की मतलब सहायता से, उनके योगदान से, सेठों के योगदान से, और जो शहीदी स्मारक है ये बनाने लग रहे हैं। भाई साहब कौन बना रहे हैं ये जो शहीदी स्मारक बन के तैयार हो रहे ये हैं? सेठ समाज बना रहे हैं जी। हाँ जी, कितना क्या खर्चा आप प्रावधान है इसको? खर्चा लगभग अभी मेरे को आइडिया नहीं है, बाकी खर्चा इस पे आप ज्यादा लगेगा, कुछ पत्थर से काम चल रहा है, सभी मार्बल पत्थर का लगेगा इसे बार बार, और भी काम चल रहा है इसका जी। रोड है, मेन रोड के ऊपर भी एक गेट पड़ता है, इसका निर्माण कार्य भी अभी बाकी निर्माण कार्य होने वाला है। जो हमारे समाज सेवक राजेंद्र फोगला जी है, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है कि भाई इसका जो ये गेट है मुख्य द्वार, इसका मैं बनवाने का काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र फोगला जी भी है जो भी, वो बढ़ चढ़कर मतलब हर मतलब कार्य में भाग लेते आए हैं, चाहे वो धर्म कर्म का काम हो, चाहे कोई समाज सुधारा काम हो। तो ये जो गेट है इसका निर्माण होना बाकी है, वो राजेंद्र फोगला जी बनवाएंगे अपने। तो अपने को लेके चलते हैं, जो हमारे प्रचारी है उनसे बातचीत करावाएंगे, मास्टर राजवीर जी है। तो भाई ये आप सामने देश को PC लैब बना दी गई है, कम से कम भी 10 लैब इस स्कूल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और लैब होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। तो मैं कैमरा मैन से कहूंगा एक बार अंदर का दृश्य दिखा दे भाई, ये आप देख सको PC लैब का फिलहाल आप दृश्य देखने लग रहे हो। यहाँ भी मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को समझाने के लिए जो पुतला वगैरह है वो यहाँ रख, किस प्रकार से मतलब बच्चों को अच्छे तरह विस्तार से जानकारी देने के लिए, और मतलब ये पुतला बना दिया गया है यहाँ पे, मतलब बच्चों को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, हर प्रकार की पढ़ाई। तो वही मैं वीडियो के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा, ये PN साहब ये जो जानकारी देंगे अपने बारे में, ये जी इसका क्या मतलब है, ये लैब में जो सामान रख बच्चों दिया। को सिखलाई कराई जाती है जी, यहाँ से मैडम जी है यहाँ पर,
वो इसके बारे में बताती है कैसे बच्चों को कोई अपने साथ बैठा हो जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हमारे पास तुरंत कोई और साधन नहीं होता तो उससे कैसे मरीज को घटना इसे बताई जा सके मरीज को, तो ये कैसे जल्दी से वहाँ पहुँचाया जाए। ये ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन दिया जाए, या चोट लगने पर इसके पट्टी जो भी हो अपने पास कपड़ा उसको गिला करके लगा दिया जाए तो उसमें खून बंद हो जाता है। मतलब ये मेडिकल सुविधा के बारे में यहाँ विस्तार से जानकारी मिलती है। आज मैडम नहीं है जी, यहाँ पर मैडम आज नहीं है, आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी नहीं है। अपनी एनपीएस न्यूज की टीम आज पहुंच गई थी, ऊपर सारी यहाँ पर मौजूद थे, तो विस्तार से आपने वो पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप देख सकते हो बच्चों को मतलब अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है यहाँ पे, मतलब बताया जाता है भाई मेडिकल सुविधा के बारे में, भाई अगर मौके के ऊपर हमें कोई चोट आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। शहरों में से फूल पौधे लगा दिए गए हैं। मास्टर राजवीर बेनीवाल जी एक वो शख्स हैं जो मतलब पर्यावरण के सबसे बड़े प्रेमी आप कह सकते हैं, पर्यावरण बचाने के लिए हर टाइम उनका प्रयास रहता है। तो इस शिवानी में चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे शिवानी में कोई सार्वजनिक स्थान की बात हो, तो राजवीर मास्टर जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। सबसे बड़ी बात यह है भाई कि वे खुद जो है वो पेड़ पौधे फूल वगैरह तैयार करते हैं, और जिस किसी भाई को पौधे की जरूरत हो तो वे उनको तुरंत निःशुल्क उपलब्ध भी कराते हैं। तो बच्चों की जो क्लासें लगती है वो क्लासरूम में आपको लेके चलाएंगे। आप देख सको महापुरुषों के चित्र यहाँ भी बना दिए गए हैं, पर्यावरण बचाने का जो संदेश है वो चित्रों के द्वारा दिया गया है यहाँ पर। तो मैं अंदर का दृश्य दिखाऊंगा आपने, आप देख सको ये भी क्लासरूम है बच्चों के लिए। क्लास के अंदर भी कहीं ना कहीं स्क्रीन लगा करके और मतलब बढ़िया सिस्टम बना दिया गया है, स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन बोर्ड लगा दिए गए यहाँ पे, ताकि बच्चे जो है वो पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। सरकारी स्कूल के मतलब जो लोगों की धारणा थी एक भाई सरकारी स्कूल में टीचर अच्छे नहीं होते, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की धारणा बदलने का काम किया गया है। तो ये देख सको भाई यहाँ पर मतलब फूलदार जो पौधे हैं उनकी पौध तैयार कर दी गई है, और अगर कहीं लगाने की बात हो, कहीं ले जाने की बात हो, तो मास्टर जी जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ये पौध तैयार किसने कर दी भाई? ये सर राजवीर जी सर ने करी है जी हमारी। हाँ, जब से यहाँ आए थे स्कूल में उस दिन से लग रही है जी, दिन में भी छुट्टी के बाद में काम करते हैं और घंटी पूरी घंटी लेते हैं जी, और रात को शाम को 4-5 बजे आते हैं, 7-8 बजे तक काम करते हैं जी। मतलब पूरा देखभाल का जिम्मा जो उठाए, पानी लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, पूरी उनकी मेहरबानी है जी। चारों तरफ आप जहाँ भी गए देखो तो आपको फलदार फूलदार पेड़ पौधे हैं वो नजर आएंगे। यहाँ भी बहुत अच्छा वो कर रखे भाई साहब, ये राजवीर जी ने किया जी, सभी राजवीर जी की मेहरबानी है ये, और पूरी मेहनत करते हैं जी। तो स्कूल के प्रचारी सुरेश राणा जी भी अपने साथ मौजूद है, उनसे भी आपकी बातचीत करावांगे, उनके विचार लेवांगे, उनसे जानांगे भाई कहीं ना कहीं इतनी मेहनत व लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन था फिर भी, लेकिन ये मास्टर राजवीर बेनीवाल जी और प्रचारी सुरेश राणा जी यहाँ पर हर समय मौजूद मिलते हैं, और बाकी पीन भाई साहब ने सारी विस्तार से जानकारी दी है अपने को। तो प्रिंसिपल साहब अपने साथ बैठे हैं, इनसे आप बातचीत कराएंगे। अब प्रचारी सुरेश राणा जी अपने साथ हैं जो हमारे गुरु जी रहे हैं, हमने भी इनसे शिक्षा ग्रहण की है। जिस समय हम इस स्कूल में पढ़े करते तो मास्टर जी हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए करते। आज ये प्रिंसिपल साहब है तो इनसे आप बातचीत करें। सर नमस्कार। सर जी स्कूल देखे हमने, सरकारी स्कूल को लेकर लोगों की एक धारणा थी भी सरकारी स्कूल में टीचर अच्छे नहीं होते, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तो इस स्कूल को देख लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोगों की धारणा जो बदलने का काम किया है, किस प्रकार आपने प्रयास कर पाए? मैंने 7 नवंबर 2022 को यहाँ ज्वाइन किया था, अक्टूबर और नवंबर में सारा स्टाफ हमारा सेंटा के थ्रू आया है, बहुत ही क्वालिफाइड है। हमारे मुकाबले में प्राइवेट स्कूल कहीं नहीं टिकते, हमारी जो पढ़ाई का माहौल और स्कूल का जो माहौल होगा प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत अच्छा होगा। तो सर बहुत सारी लैबें बना दी गई है, कम से कम 10 लैब है, सभी का निरीक्षण करके आए हैं, देखिए है। लोन बना दिए गए हैं, जगह जगह फलदार मतलब फूलदार पौधे लगा दिए गए हैं, शहीदी स्मारक जो बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रयास जो है वो सार्थक होते हुए नजर आए हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इतने बड़े बहुत बढ़िया तरीके से स्कूल को सजा दिया। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय मेरे स्टाफ व समाज को जाता है, जिसमें हमें स्टाफ से और समाज से पूर्ण सहयोग मिल रहा है, और हम आगे भी ऐसा यही करते हैं कि हमें ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। सर जी छुट्टी के दिन भी आप यहाँ मौजूद मिलते हो, और मास्टर राजवीर जी की तो बात ही अलग है, किस टाइम में देख लो स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी यहाँ मौजूद पाते हैं, मतलब देखभाल करते हैं, तो छुट्टी के दिन भी आप यहाँ स्कूल में आ जाते हो? कहीं कहीं मास्टर तो ये बात देखे करते भाई कब स्कूल की छुट्टी हो, या वैसे भी चल जाए करते, गैर हाजिर हो जाए करते, लेकिन आप मौजूद मिलते हो, उसका क्या रहा? मैं राजवीर जी व अन्य लोकल स्टाफ जो भी यहाँ रहता है, हम 24 घंटे यहाँ स्कूल के लिए तैयार रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा मकसद ही स्कूल को और सुधारना है,
और बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है। तो मास्टर राजवीर जी बने वाला अपने साथ मोहित देन से बात है। सर नमस्कार। नमस्कार आशी भाई, कैसे हो? बढ़िया सर जी, आपकी परमात्मा फूलों की तरक्की दे। आपके भी चैनल के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं विद्यालय परिवार की तरफ से। आपका चैनल भी खूब चले और चर्चा का विषय है कि आप अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा ही चाहे वो समाज सेवा कार्य हो, चाहे वो कहीं फल पौधे लगाने का मतलब पर्यावरण को बचाने का काम हो, आप हमेशा आगे पाते हैं। हाल ही में आप पिछले स्कूल में थे कि कराल भी ड्यूटी थी, गुरेरा भी ड्यूटी थी आपकी, उन स्कूलों को भी आपने एक शौर्य का रूप देने का काम किया है। आपकी मेहनत तो कहीं ना कहीं मतलब इतनी मेहनत करे होगी, हम भी आपकी मेहनत को सलाम करते हैं। सर इस स्कूल को भी आपने कहीं शौर्य बनने का प्रयास करा, तो किस प्रकार से आप इतना प्रयास कर पा रहे हो? प्रयास तो सभी करते हैं और सब कर रहे हैं, मिलजुल के होते हैं। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा इतना जरूर है कि लगन होती है एक आदमी को। दो बातें हैं, एक तो आपके अंदर हॉबी शौक है, आपको कुछ करना चाहते हैं आप, दूसरा है समर्पण और एक निश्चय चाहिए। तो जहाँ भी जिस विद्यालय में गए हैं, हरियाली खूबसूरती मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, पेड़ पौधों के साथ फूलों के साथ रहना, और चाहे वो शमशान भूमि हो, चाहे वो रोड के ऊपर लास्ट ईयर पौधे लगाए थे तो प्रहरी संस्था के माध्यम से लगवाए थे, बहुत कोशिश करी हमने पेड़ पौधे लगे। विद्यालय की बात है तो विद्यालय तो देखो संवर्ग होना भी चाहिए, जहाँ पर इतने बच्चे आते हैं उनको हम पलवित पोषित करते हैं, साथ साथ में अगर परिवेश अच्छा होगा, सुगंधित परिवेश होगा, अच्छे पेड़ पौधे खुशबूदार फूल होंगे, तो निश्चित बात है कि पढ़ाई का माहौल भी अच्छा ही बनेगा। तो सर कहीं ना कहीं आप जो फूलों का जो बीज है, पौधों का बीज है, वो भी आप मतलब आप यहाँ पौध तैयार करते हो, वो किस प्रकार से कर पाते हो? पौध तो धरती माता तैयार करती है, हम नहीं करते, हम तो सिर्फ डाली काट के ले आके लगा देते। प्रयास तो आपकी है। नहीं आपकी बात ठीक है, आपको ये एक पता होना चाहिए कि किस सीजन में कौन सा पौधा लग सकता है। जैसे गेंदा है तो आपने लगा दिया जुलाई में फूल नहीं देगा, आपने जुलाई में पौध लगा दी तो वो आपको दिसंबर में फूल देंगे। अगर आपने पौध तैयार की है अक्टूबर में या नवंबर में तो वो आपको जाकर के मार्च में या अप्रैल में फूल देंगे। और गुलाब का पौधा है, किस टाइम आप डाली को काट करके लगाओगे तो वो आपका पौधा बन जाएगा। इन चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, मैं बीएड जब करता था तो मेरा गार्डनिंग का शौक को देखते हुए मैंने वहाँ ऑप्ट किया था कि विषय होता है हमारा बीएड में कि आप दो स्किल कौन सा लेना चाहोगे, कैंडल मेकिंग, मोमबत्ती बनाना एक था। मोमबत्ती का तो अब चलन नहीं रहा, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा हो गया, आप जमाना बदल गया है, लेकिन गार्डनिंग का आज भी स्कोप है। तो अलग नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो एजुकेशन से या स्कूल के परिवेश से अलग नहीं है, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। हर टीचर को जब वो बीएड करके आया तो उसको दो स्किल भी डेवलप करके सरकार ने एक स्कीम के तहत तो उसको उसमें पारंगत करके भेजा है, और मेरे पास जो चीज थी मैं उसका आज भी प्रयोग कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा है पेड़ पौधों की बात है, पिछले दिनों हमने पेड़ भी जो हमें लगता है कि सरकार के निर्देशानुसार जो बहुत बड़े पेड़ थे या हमारे इस परिवेश के योग्य नहीं थे, नुकसानदायी थे, खतरा था उनका, वो पेड़ कटवाए हैं। किसी भाई ने उसके ऊपर आपत्ति भी करी बता रही है, हमारे से तो आकर के नहीं मिला लेकिन उसने आपत्ति करी, वो गलत करी, हमारे से आके मिलता हमसे पूछता, विधिवत रूप से हमने वो पेड़ कटवाए हैं। और ये अलग बात है कि उनको इतराज होना एक उनका गलत था, वो स्टैंड गलत था, ट्रैक गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए, हर विद्यालय में ऐसा होना चाहिए, हमारा ये प्रयास है। इसी कड़ी में हम गर्ल्स स्कूल में पौधे लगा के आए हैं, हमारे विद्यालय में पौधे तैयार होते हैं लेकिन लेके कोई भी जाता है, चाहे वो रुपाणा स्कूल हो, वहाँ पर भी हमारे पौधे जाके लगे हैं, डिस्ट्रिक्ट पार करके भी हमारे पौधे जाते हैं यहाँ से, और हम किसी को मना नहीं करते। कितने पौधे हमारे पास हैं, जब तक है हम दिलवाएंगे, नहीं तो नर्सरी से खरीद के भी दिलवा देंगे, लेकिन किसी को मना नहीं करेंगे। स्कूल के अध्यापक हंसराज जी अपने साथ मौजूद है, इनसे आप बातचीत कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर स्टाफ में आपकी बहुत बढ़ाइयाँ हो रही है, आप भी मतलब समय के बड़े पाबंद है, छुट्टी के दिन भी आ जाते हैं और बहुत ही मेहनत से आप पढ़ा पा रहे हैं, तो कैसा कर पाते हैं, इतना जुनून आपके चेहरे पर समय बना रहता है? ये तो जी यहाँ शिवानी में रहते हैं और सौभाग्य से शिवानी में ही ड्यूटी है, तो इसका फायदा स्कूल को ही मिलना चाहिए, मेरी ये सोच है, इसलिए मैं हमारे स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर जिस जैसा भी मेरे से बन पाता है पूरा सहयोग करता हूँ स्कूल का, और स्कूल के प्रति हमेशा सजग रहता हूँ और डेडिकेटेड रहता हूँ। क्या कार्य वर्ष मनाते हैं सर? मेरी मैं यहाँ पर PGT मैथ के पद पर कार्यरत हूँ, इसके साथ साथ ऑफिशियल वर्क में भी अपना सहयोग करता हूँ, टेक्निकल में, सैलरी बनाने में, अन्य कार्यों में, जो भी मेरा स्कूल की तरफ से दिशा निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार।
इस स्कूल का विद्यालय का सौभाग्य है कि हमारे पास लीडर बढ़िया हमारे प्राचार्य महोदय दिन रात कोशिश में रहते हैं कि यहाँ किस प्रकार से प्रयास इतने बढ़िया इनके हैं कि विद्यालय तरक्की कर रहा है। 2 साल से 30 लाख रुपए विद्यालय में आए पड़े थे और वो खर्च नहीं कर पाए हम लोग, चाहे वो किसी भी प्रकार की कमियां रही। इन्होंने आते ही पता किया कि इतनी बड़ी ग्रांट पड़ी है और विद्यालय को उस पैसे की जरूरत है। आप 2-6 महीने पहले आते थे यहाँ पे, बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब थी। मैं ये नहीं कहूँगा किस कारण खराब थी, क्यों खराब थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे भाई माहौल ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था। इन्होंने आते ही उसकी शुरुआत करी, पैसे ट्रेस आउट किए, प्रयास करके लेके आए डीपीसी ऑफिस से, और 2-3 महीने में अपने फुल प्रयास जो व्यक्ति कर सकते हैं उतने करके इन्होंने वो ग्रांट खर्च करके इस विद्यालय को 1 अप्रैल जो ओपनिंग डे होता है सेशन का उस दिन तक इनका प्रयास है। देखो अभी भी सफाई वाले लगा रखे हैं और 1 अप्रैल को ये लगे कि विद्यालय चकाचक बदल गया है, ये इनका प्रयास है। और ऐसी लीडरशिप जिसके पास होती है विद्यालय अच्छा ही होगा, हम इस भविष्य के इस विद्यालय के अच्छे भविष्य को देख पा रहे हैं। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी, आपका इस बारे में क्या कहना है, स्कूल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइयो। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर अनपीएस न्यूज के लिए। कैमरामैन सतीश के साथ शिवानी मंडी से नरसी प्रजापति की रिपोर्ट।